स्थानीय थाना के महमदपुर में गोलीबारी में हुई हत्याकांड के 11वें दिन गुरुवार दिन के करीब 12:15 बजे दिन में महमदपुर गांव स्थित अपने पैतृक आवास पर पुलिस की खास सुरक्षा में पहुंचे। उनके घर पर पहुंचते ही एक बार फिर से मातम पसर गया। दरवाजे के पास पहुंचते ही संजय के आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे जैसे उनके कदम अपने घर की ओर आ रहे थे, उनका रोना तेज हो रहा था। घर पर पहुंचते ही संजय परिजन का और परिजन संजय का गला पकड़ फफक फफक कर रोने लगे। शामियाने में अनशन पर बैठे सभी परिजन भी जोर शोर से रोने बिलखने लगे। बच्चों और महिलाओं का भी रो रो कर बुरा हाल था। परिजनों के विलाप से एक बार फिर से मातम की स्थिति देखने को मिली। संजय दरवाजे पर पहुंचते ही सबसे पहले बरामदे पर बैठी अपनी मां के गले पकड़कर रोने विलखने लगा। वहां से लोग उन्हें दरवाजे पर लगे शामियाने में लेकर आए, जहां उस समय औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह और एलएलसी सुमन महासेठ के साथ उनके पिता सुरेंद्र सिंह बैठे थे। उक्त जगह पहुंचते ही सुरेंद्र सिंह संजय का हाथ पकड़कर रोने विलखने लगे। अपने पिता की हालत देख संजय भी अपने आप को रोक नहीं सके और फफक फफक कर रोने लगे और अपने पिता को भी चुप कराने लगे। इसी बीच संजय को देखते उनके छोटे छोटे बच्चे भी रोने लगे और गोद में जाने की जिद करने लगे, तो किसी परिजन ने उस बच्चे को लाकर संजय सिंह के पास पहुंचाया। बच्चे के आते ही संजय बच्चों को गोद में लेकर चूमने लगे। दरवाजे पर खड़े सभी लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए। इसके बाद सांसद एमएलसी श्री महासेठ ने संजय से पूर्व के विवाद की पूरी जानकारी ली। इसके बाद नेता द्वय ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। स्वदेश।